नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएफ टेक्नो गुरु में। मैं हूं सुनील मौर्य। आज के इस वीडियो में एयरटेल का 4G हॉटस्पॉट का करेंगे अनबॉक्सिंग। और इस एयरटेल हॉटस्पॉट का मॉडल नंबर है AMF-311WW। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले यह एयरटेल का हॉटस्पॉट मिलना बंद हो चुका था और अब ये जाके फिर से लॉन्च हुआ है। और इस हॉटस्पॉट में सिर्फ एयरटेल का ही सिम आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस हॉटस्पॉट में जो बैटरी मिलेगी वो 2300 mAh की मिलेगी। और इस बैटरी से अगर इस डिवाइस को ऑन करके स्टैंड बाय में रखेंगे तो 300 घंटे तक यह चल सकता है। और इस डिवाइस से मैक्सिमम 10 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। और 10 डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो मैक्सिमम 6 घंटे तक चल सकता है। अब बात आती है इसके हॉटस्पॉट की। तो दोस्तों, इसमें जो हॉटस्पॉट या वाईफाई जो है वो 2.4 GHz तक स्पीड दे सकता है। तो चलिए इसका करते हैं अनबॉक्सिंग और कैसे यूज किया जाता है वो भी हम बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। इसमें ये डिवाइस है, इसको हम साइड में रख देते हैं और बाकी देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें एक गाइड मेन्यू दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको डिवाइस को चार्ज करने के लिए एक USB केबल दिया हुआ है और इसके साथ यह बैटरी दिया है जो कि 2300 mAh की है। ये लिथियम आयन बैटरी है। चलिए इस डिवाइस को खोल के इसमें सेट करके दिखाते हैं कि कैसे ये यूज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल का बेजिंग दिया हुआ है और ये पावर बटन है और पावर बटन में ही पावर की लाइट दिया हुआ है और यहाँ पे एक और लाइट दिया हुआ है। उसके बाद ये बगल में देखें तो यहाँ पे WPS की बटन दी हुई है और यहाँ पे इसको चार्ज करने के लिए USB केबल को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको ओपन करके इसमें बैटरी लगाते हैं। तो यहाँ से ओपन करने का लिए दिया हुआ है, इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सारा कोड, यहाँ पे पासवर्ड भी दिया हुआ है और यहाँ पे अगर इसका पासवर्ड को चेंज करना है तो यहाँ पे IP एड्रेस भी दिया हुआ है, यूज़र नेम, पासवर्ड नेम, यहाँ पे सारे डिटेल दिया हुआ है जिससे कि अपने इस डिवाइस का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। हमेशा जब भी बैटरी और सिम लगाने से पहले इस पासवर्ड को नोट कर लें, नहीं तो फिर दोबारा खोलना पड़ेगा। दोस्ततों, ये जो ऑप्शन दिया है ये माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि मेमोरी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कहाँ पे क्या यूज करना है और नीचे वाले हिस्से में ये सिम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी वाली सिम यूज होगी। चलिए हम इसको फिट करके दिखाते हैं। इसको धीरे से पीछे पुश करेंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे। तो ये एयरटेल की सिम है। हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जैसे यहाँ पे इमेज बना हुआ है उसी इमेज को देखते हुए इस सिम को यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से हमने रख दिया और इसको हल्का सा आगे प्रेस करेंगे। ये फिट हो चुकी है। अब यहाँ पे बैटरी को इस सेक्शन पे लगाकर इस तरह से जैसे फिट कर देंगे और ये पैक कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम ऑन भी कर लेते हैं। इसको दबा के थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग के पहले यहाँ पे कोई LED समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन चालू होने के बाद यहाँ पे समझ में आने लगा कि यहाँ पे ये है नेटवर्क के लिए दिया हुआ है और या फिर जो भी स्पीड होगी ये स्पीड के लिए नोट करेगा। वाईफाई दिया हुआ है, यह ऑन हो चुका है। कुछ देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद अभी ये नीले कलर का होगा, उसके बाद फिर ग्रीन कलर का जल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो गया, अब यह ग्रीन हो गया तो इसका मतलब ये नेटवर्क कैच कर चुका है। अब देखिए ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है। अब अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल में कनेक्ट कराएंगे तो इसका एयरटेल हॉटस्पॉट के नाम से वहाँ पे वाईफाई शो करेगा। तो उस वाईफाई को कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने के बाद इसका जो पासवर्ड पीछे लिखा हुआ था वो पासवर्ड डालेंगे और इंटर करने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा था वो बार बार हाइड हो जाता है। इसे ये मत समझिएगा कि आपका ये जो राउटर है या फिर हॉटस्पॉट है बंद हो गया है, क्योंकि दोस्तों ये हाइड इसलिए होता है कि जो बैटरी है, बैटरी का ज़्यादा यूज
न हो पाए या ज़्यादा खपत न होए, इसलिए यहाँ पे सारी लाइटें ऑटोमेटिक हाइड हो जाती है। जैसे ही एक बार फिर से प्रेस करेंगे वो सारी लाइटें यहाँ पे शो होने लगेंगी। तो इस तरह से आप इस डिवाइस का या हॉटस्पॉट का यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस को फिर दोबारा हमें ऑफ करना है, तो इस जो पावर बटन है ये, इस पावर बटन को कुछ देर तक दबाए रखेंगे, ये ऑफ हो गया, सारी बटनें ऑफ, सारी लाइटें ऑफ हो गई, आप देख सकते हैं। दोबारा अगर चेक करना है कि ऑफ हुआ है कि नहीं, तो एक बार इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अगर कोई लाइट नहीं जलती है तो इसका मतलब ये डिवाइस पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों अब बात आती है इसकी प्राइस की। तो इस डिवाइस की जो प्राइस है वो 2500 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यह डिवाइस आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।